हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे, अपनी पिछले वाली क्लास में अपनी बात हो चुकी थी। अपन जो मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, उत्पत्ति के बारे में अपनी जानकारी हो गई थी। मैंने भारतीय मनोविज्ञान के बारे में भी आपसे बात कर चुके थे, पहले वाली क्लास में जो है अपनी बात हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी मनोविज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको जिस दिन पहली क्लास लगी थी अपनी, उस दिन बताया था कि जो अपना मनोविज्ञान रहेगा वो रीट के सिलेबस और सेकंड ग्रेड के सिलेबस और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस, यानी कि रीट के सिलेबस के साथ साथ वो चीजें भी पढ़ाई जाती है जो सेकंड ग्रेड में भी आती है, क्योंकि रीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अपने सिलेबस से नहीं होते। प्रत्यक्ष रूप से तो बताते नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं, इसीलिए उनको भी पढ़ाना पड़ता है। आज जो मैं बात करूंगा, शिक्षा मनोविज्ञान को अपन टॉपिक लेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान क्या है, शाखा है। आप सभी को पता होगा, आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं रही है। लेकिन आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि ये ना सर, हमारे शाखाएं तो ये इसमें सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो शाखाओं से रिलेटेड होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं, यानी कि उनको भी लिखना जरूरी रहता है और पढ़ाना भी जरूरी रहता है। थोड़ा सा ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अपन जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। तो अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, आज अपने टॉपिक चल रहा है मनोविज्ञान का। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों मनोविज्ञान की। अब आज मैं आपको बताऊंगा मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं, जरूरी जरूरी जो पूछ लेते हैं या फिर जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, उन शाखाओं के बारे में लिख देता हूं और थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। मनोविज्ञान की शाखाएं, आप शाखाएं भी बोल सकते हैं या फिर क्षेत्र भी बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान का कौन कौन सा क्षेत्र है। पता लग गया होगा आपको इस वर्ड का मतलब क्या है, शाखा क्या होती है। देखो, मनोविज्ञान सिर्फ मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था ना, तो वो एक मनोविज्ञान कहलाया। लेकिन जब मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया गया तो इसमें से बहुत सारी अलग अलग, जैसे मैं एक दो नाम लेता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का ही पार्ट है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आ गया है। दूसरा लेता हूं मैं आपके पास, सामाजिक मनोविज्ञान। लेकिन मनोविज्ञान एक पार्ट है व्यवहार का, सामाजिक मनोविज्ञान है कि जब बालक को समाज में छोड़ा जाता है या समाज में रखा जाता है तो बालक किस तरह से व्यवहार करता है, तो ये एक शाखा होगी सामाजिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र में जो इसका योगदान रहता है। ऐसे ही बाल मनोविज्ञान, जो बालक के क्षेत्र में रहता है। ऐसे ही फिर किशोर मनोविज्ञान, जो किशोरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये सिर्फ चीजें शाखाएं के रूप में निकल कर आई, तो उनकी बात अपन कर देते हैं। देखो, पहली बात करेंगे अपन दोस्तों, जैसे मैं लिखा हूं, अपन शाखाओं में आता है सामान्य मनोविज्ञान भी आता है, सामान्य मनोविज्ञान, ये एक मनोविज्ञान है लेकिन इसके कोई जनक नहीं है, इसलिए यहां पर कोई कुछ नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा आएगा असामान्य मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। इनके भी कोई जनक नहीं है, आपको बस डायरेक्ट याद रखना है, और याद भी नहीं रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है, तो वहां पर कोई ऐसा तो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि इनमें से निम्न में से शाखा है, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन पढ़ लेते हैं अपन कुछ कुछ चीजें हैं कि ये शाखा है, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में कभी रहे कि हाँ सामान्य क्या चीज है, एक मनोविज्ञान की शाखा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद विकृति मनोविज्ञान, इसके भी कोई जनक नहीं है। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा प्रौढ़ मनोविज्ञान, अब प्रौढ़ मनोविज्ञान आपको शब्द से पता चला गया होगा कि बाल विकास में अपन प्रौढ़ के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रौढ़ मनोविज्ञान एक अलग से भाग आता है, तो इसके बारे में पढ़ा जाता है। अब इसके बारे में जानकारी करें तो दोस्तों, प्रौढ़ मनोविज्ञान के जनक कोई है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो प्रौढ़ मनोविज्ञान है, कौन सा प्रौढ़ मनोविज्ञान, ये सबसे छोटा क्षेत्र है शाखा के रूप में। मनोविज्ञान का सबसे छोटा क्षेत्र है कितना है दोस्तों, सबसे छोटा क्षेत्र, सबसे छोटा क्षेत्र, यानी कि इनके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा क्षेत्र है, सबसे छोटी जानकारी है, सबसे कम जानकारी है,
और सबसे कम जो मनोविज्ञान में सबसे कम पढ़ा गया था वो किसको पढ़ा गया था, प्रौढ़ मनोविज्ञान के, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली गई थी। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा क्षेत्र किसका है आपको याद क्या रखना है, प्रौढ़ मनोविज्ञान कितना है दोस्तों, 0.002%। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई इधर अपने चार अपने जो शाखाएं हैं इनके बारे में लिख दिया। इसके बाद देखो दोस्तों इधर फिर बात करते हैं, 5 नंबर पे आ जाएगा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान 6 नंबर पे आ जाएगा किशोर मनोविज्ञान। सेवन नंबर पे आ जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। एट नंबर पे आएगा चिकित्सा मनोविज्ञान। अब देखो दोस्तों, मैंने ये चार नाम लिखे हैं आपके पास शाखाएं के रूप में बाल मनोविज्ञान की, जो अपने रीट की जो है फर्स्ट लेवल सेकंड रीट उसमें सबसे बड़ा पार्ट भी है बाल मनोविज्ञान का। बहुत बार बाल मनोविज्ञान में अपन बालक की अवस्थाओं के बारे में, बालक के विकास के बारे में, बालक के अभिवृत्ति रुचि के बारे में ये सब चीजें पढ़ेंगे कहाँ पर, बाल मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान में बालक के किशोर की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जो अभी अपन मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ आपको, शिक्षा मनोविज्ञान ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन इंट्रोडक्शन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान रहा, व्यवहार से मानव व्यवहार में कैसे किस तरह से आया, इसकी उत्पत्ति क्या हुई, ये अपन पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में। चिकित्सा मनोविज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, व्यवहार के विज्ञान से चिकित्सा में क्या रहा, इससे सब बात जानकारी मिलती है चिकित्सा मनोविज्ञान में। अब दोस्तों इनके जनक के बारे में बात करें कि जैसे मैंने इधर बताया कि इनके कोई जनक नहीं थे, इधर बाल मनोविज्ञान के जनक किसे बोला जाता है, प्लेटो को बोला जाता है। किनको, प्लेटो को, यहाँ पर आ जाएगा प्लेटो। किशोर मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेनले हॉल। क्या जाएगा दोस्तों, स्टेनले हॉल। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा थॉर्नडाइक। और चिकित्सा मनोविज्ञान की बात करें दोस्तों, चिकित्सा मनोविज्ञान में आ जाएगा हिप्पोक्रेटस। ये अपने बात चल रही अपनी शाखा के रूप में जो मैंने आपको बताई। बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाएंगे दोस्तों प्लेटो, किशोर मनोविज्ञान के जनक कहलाएंगे स्टेनले। बहुत सी जगह आपको दोस्तों कंफ्यूज रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान के जनक आपको क्या लिखे आएंगे, प्लेटो लिखे, स्टेनले हॉल लिखा आएगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में अभी बाल मनोविज्ञान जब पढ़ाएंगे तो मैं आपको बाल मनोविज्ञान का जनक ही क्या बताऊंगा, प्लेटो बताऊंगा और सत्य के साथ बताऊंगा। कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाएंगे दोस्तों थॉर्नडाइक, क्योंकि थॉर्नडाइक अमेरिका का निवासी था और अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान को जो व्यवहार से मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में आया तो सबसे ज्यादा जो इसका योगदान रहा था अमेरिका में रहा था। और अमेरिका में थॉर्नडाइक ने सबसे पहले अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में इसका वर्णन किया था, इसीलिए थॉर्नडाइक को शैक्षणिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद चिकित्सा मनोविज्ञान के हिप्पोक्रेटस ने योगदान दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे का स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दो दोस्तों, देखो अब बात करते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट। अपराध, अपराध मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान की बात करेंगे, फिर करेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान, फिर बात करेंगे दोस्तों नैदानिक मनोविज्ञान,
फिर बात करेंगे दोस्तों परामनो विज्ञान। देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने चार शाखाओं के नाम लिखे हैं। अपराध मनोविज्ञान में जैसे बालक, जो अपराधी बालक रहते हैं, अपराध करते हैं, या इनमें मनोविज्ञान जो व्यवहार करते हैं, क्यों किया इन्होंने इस तरह का अपराध, या बालक में ऐसी प्रवृत्ति किस तरह से आई, तो उसका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है दोस्तों? अपराध मनोविज्ञान में। विकासात्मक मनोविज्ञान, दोस्तों आपने बीएड में पढ़ा होगा, विकासात्मक के सबसे अच्छे सिद्धांत दिए थे जीन पियाजे ने, जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत कहलाया था। तो उस सिद्धांत में आपको पता होगा कि बालक के बारे में किस तरह के, जब बालक 0 से 2 वर्ष का रहता है तो उसमें कौन सी क्रियाएं करता है, फिर 2 से 5 वर्ष 7 वर्ष का होता है तो कौन सी क्रियाएं करता है, फिर 7 से 13 वर्ष का होता है तो बालक किस किस प्रकार की क्रिया करता है, और 7 से किशोरावस्था तक जो क्रिया होती है उसमें बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है और किस तरह का उसमें विकास होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी दोस्तों बीएड में। तो इसके विकासात्मक का जब सिद्धांत आएगा तो मैं वहां से आपको डिटेल में बताऊंगा कि जीन पियाजे ने जो है विकासात्मक सिद्धांत में क्या योगदान दिया था और क्या क्या बोला गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं इसलिए अभी बात इतनी सी करेंगे। इसके बाद करते हैं नैदानिक मनोविज्ञान की। नैदानिक दोस्तों, नैदानिक एक किससे लिया जाता है कि कानून से, अगर उसमें नैदानिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो बालक समझदार हो जाता है ऐसा माना जाता है, और वो नैदानिक गुणों को समझाने भी लग जाता है। जैसे एक तो होता है सामाजिक मनोविज्ञान, एक होता है नैदानिक मनोविज्ञान। समाज के प्रति कैसा नजर रहता है, अच्छा रहता है या बुरा रहता है, समाज से क्या सीख रहा है, अच्छी सीख रहा है या फिर बुरा सीख रहा है, ये सब चीजें। और नैदानिक गुण का मतलब होता है दोस्तों किसी को ज्ञान देना या फिर उसके बारे में रूल्स वगैरह समझाना या अनुशासन डिसिप्लिन वगैरह के बारे में बताना, ये कौन सा विज्ञान कहलाता है दोस्तों? नैदानिक मनोविज्ञान कहलाता है। परामनोविज्ञान दोस्तों, ये भी एक शाखा है परामनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब इनके अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी शाखाओं के बारे में, शाखाओं के बारे में यानी कि अपन इसके जनक के बारे में, कि अपराध मनोविज्ञान किसने बोला था और विकासात्मक मनोविज्ञान किसने बोला था। ठीक है दोस्तों, अपराध की बात करते हैं तो ये आएंगे दोस्तों, इधर आ जाएंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर लिम्ब्रोसो, सीजर लिम्ब्रोसो, वो सी जगह आपको लिम्ब्रोसो भी लिखा आएगा, तो ये एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन विकासात्मक मनोविज्ञान की। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे, जीन पियाजे भी आते हैं और पियाजे भी बोलते हैं इनको, तो कंफ्यूज नहीं होना ना, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपके वर्ड आएगा जीन पियाजे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पियाजे से याद रख सकते हैं, आप किसे याद रख सकते हैं, प्याज से, प्याज का विकास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नैदानिक, नैदानिक मनोविज्ञान की बात करें दोस्तों तो इनके जनक आ जाएंगे टाइडमैन। कौन आ जाएंगे दोस्तों? टाइडमैन। इधर बात करें परोमनोविज्ञान की तो परोमनोविज्ञान के जनक कुछ कोई नहीं है यानी कि, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपराध मनोविज्ञान की बात करके, विकासात्मक मनोविज्ञान की बात नहीं करके, और नैतिक मनोविज्ञान की। नैतिक मनोविज्ञान के बारे में बताऊं आपको, इसके बारे में दो जानकारी ले लेते हैं। तो नैदानिक मनोविज्ञान के बारे में ये बताया गया है कि ये प्राचीनतम मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम शाखा है। कौन सी दोस्तों? नैदानिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की क्या है? सबसे प्राचीनतम शाखा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करें कि कब हुई थी तो इसका विकास कब हुआ था दोस्तों? सन 1737 में, याद रह जाएगा। इसके बाद तीसरी बात करें 1737 में कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था जर्मनी में। ये बात बताई दोस्तों मैंने नैदानिक मनोविज्ञान की। दोस्तों बिल्कुल आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि बोरिंग सा सब्जेक्ट है, लेकिन मनोविज्ञान एक बोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान पढ़ा नहीं जाता है, बिल्कुल समझा जाता है। जिस दिन अपनी पहली क्लास हुई थी ना दोस्तों, उसी दिन मैंने आपको बोला था कि मनोविज्ञान बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, बिल्कुल समझना है। फिर आप व्यवहार के विज्ञान के या फिर मनोविज्ञान के बारे में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप एक समझदारी के साथ कर सकते हो, क्योंकि मनोविज्ञान में डायरेक्ट कोई सा भी एक भी क्वेश्चन, अब क्योंकि टाइम ऐसा आ गया है कंपटीशन का कि एक भी क्वेश्चन बिल्कुल उठा के नहीं आएगा कि यार ये डायरेक्ट पूछ लिया और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उसमें पेपर में आ जाएगा। आएगा वही, लेकिन घुमा फिरा के आएगा। इसीलिए आपको मनोविज्ञान को पढ़ना नहीं है, समझना है। अभी जैसे मैं बात करूं दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान के, कम से कम भी विकासात्मक मनोविज्ञान में से 100, 200, 500 क्वेश्चन निकल सकते हैं सिर्फ वो 2 पेज के विकासात्मक सिद्धांत से।
लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो लगता नहीं है कि क्या वो याद कर लेते, जीन पियाजी को याद कर लेते और वो चारों मूर्त अमूर्त संज्ञानात्मक सिद्धांत के चारों भाग याद कर लेते और एज याद कर लेते। लेकिन उनमें से एग्जाम्पल इतने बन सकते हैं, 500,000 एग्जाम्पल बन सकते हैं और उन्हीं एग्जाम्पलों में से आज क्वेश्चन आ रहे हैं और ऑप्शन में जीन पियाजे ऐसे कुछ वर्ड हो जाते हैं और अपन गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप दिमाग से ही निकाल देना कि रटना है और याद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या समझना है, ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान को सिर्फ आपको समझना है। अपन उस तरह से पढ़ रहे हैं कि आपको मनोविज्ञान को मैं समझा सकूं और आपका क्वेश्चन हल करवा सकूं। पूरी कोशिश अपनी यही रहेगी कि आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा राइट हो, ठीक है दोस्तों। अब बात की है मैंने यहाँ पर नैदानिक टॉपिक पे आते हैं अपन, नैदानिक मनोविज्ञान की बात की है। नैदानिक मनोविज्ञान में जहाँ शाखाओं के बारे में रिलेटेड था वो मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम शाखा है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों, नैदानिक मनोविज्ञान। कब हुई थी, 1737 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, जर्मनी में। अब परामनोविज्ञान मैंने नीचे इसके नीचे लिखा, मैं हमेशा जब भी लिखाऊंगा ना तो एक चीज रिलेटेड ही लिखाऊंगा कि नैदानिक मनोविज्ञान के नीचे अगर परामनोविज्ञान आया ना तो ये प्राचीन है तो ये हमेशा नवीन होगा। क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान की, परामनोविज्ञान की बात कर रहे हैं दोस्तों, मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा, नवीनतम शाखा कौन सी है दोस्तों, परामनोविज्ञान है। कब हुई थी, 2008 में इसका विभाजन हुआ था, यानी कि मनोविज्ञान से परामनोविज्ञान को अलग कर लिया गया। कब, 2008 में। कहां पर किया गया दोस्तों, तो यह किया गया अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। ये बात हुई मैंने अभी तक शाखा के, चार शाखा के बारे में यहां पर आपको डिटेल से बता दें, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दो दोस्तों, अब देखो कुछ और शाखा है जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं डायरेक्ट। याद करने का दोस्तों मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल भी कि आप इन शाखाओं को याद करो, लेकिन जब आप दिमाग से एक बार पढ़ोगे ना इनको तो अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार ये शाखा होती है किसकी, मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जबकि शाखा के आगे जो भी नाम लिखा है वो उसका अध्ययन करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि अपन पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान को, तो मैं एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ, मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्योंकि शिक्षा किसको दी जा सकती है, मानव को दी जा सकती है, तो व्यवहार मनोविज्ञान तो व्यवहार का अध्ययन करता है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, इस तरह से ये शाखा है। जैसे नैदानिक मनोविज्ञान है तो नैदानिक के बारे में विचार, जो कानून है उसके बारे में बताया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान यानी समाज के बारे में जानकारी दी जाती है। औद्योगिक मनोविज्ञान तो औद्योगिक के बारे में जानकारी दिया जाता है। ऐसे अलग अलग मैंने आपको जितने भी बताया, पशु मनोविज्ञान तो पशु के बारे में निष्कर्ष निकाले गए, परिणाम निकाले गए, इनके प्रकार बताए गए, इनके बारे में प्रयोग किए गए, विधियां निकाली गई, ये सब सारी जानकारी दी गई है शाखाओं में। एक तरह से जो जैसे पूरा पेड़ है कौन सा, मनोविज्ञान है। अब उसमें शाखा निकली अलग अलग कि एक शाखा निकाली। जैसे इतिहास में भी अपन पढ़ते हैं कि एक चौहान वंश का मैंने बताया था आपको कि चौहान वंश यहाँ पर आया और उसके पुत्र को अलग 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 जगह चला गया और वहां पर उसने अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी, वहां पर चौहान वंश की स्थापना कर दी। ये सब चीजें भी उसी प्रकार है। आया दोस्तों समझ में एग्जाम्पल, शाखाओं में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन दूसरी और बार कुछ बातें, कुछ शाखाओं के नाम और लिखा देता हूं मैं। जैसे आएगा सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान। अगर बीएड में आपने पढ़ा होगा सामाजिक मनोविज्ञान तो जरूर आपको इसके जनक का नाम भी याद आ गया होगा कि सामाजिक विज्ञान मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था। फिर बात करेंगे दोस्तों अपन विभेदक मनोविज्ञान, फिर बात करेंगे दोस्तों अपन पशु मनोविज्ञान, फिर बात करेंगे दोस्तों अपन आनुवंशिक मनोविज्ञान,
फिर बात करेंगे दोस्तों अपन औद्योगिक मनोविज्ञान। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने कितने नाम लिखे, पांच नाम लिखे हैं। सामाजिक मनोविज्ञान कौन सा लिखा है, एक तो सामाजिक मनोविज्ञान, एक विभेद करना, एक पशु मनोविज्ञान पशुओं के बारे में जानकारी देना, एक आनुवांशिक जो आनुवांशिक चीजें होती है उनके बारे में बताना। आपने पढ़ा होगा 9-10 क्लास में विज्ञान का पार्ट है आनुवांशिक, समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसको। और औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक के बारे में दो तीन चीजें मैं बता दूंगा। इसके बाद बात करें सामाजिक मनोविज्ञान के जनक की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर किसने दिया था सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा ने। तो ये क्या हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्त, इसमें याद रखना, एक तो एरिक्सन वाला जो आता है अल्बर्ट बंडूरा का आता है, और एक दो मनोविज्ञान और है जो इनसे रिलेटेड होते हैं, जिन्होंने सिद्धांत दिया था समाज के बारे में, सामाजिक के बारे में। तो मैं पूरा अपन इस तरह से पढ़ेंगे कि आप विभेदक मनोविज्ञान के जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। कौन है दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद व्यवहार मनोविज्ञान के जनक किसने दिया था, डॉन ब्राट वाटसन ने दिया था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था व्यवहारिक मनोविज्ञान के बारे में जानकारी, और व्यवहारवाद के बारे में जो बताया था वो, इसीलिए पशु मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, जेबी वाटसन। कौन हो जाएंगे दोस्तों, जेबी वाटसन। पूरा नाम क्या है दोस्तों इनका, जॉन ब्राट वाटसन। इसके बारे में बात करें दोस्तों आनुवांशिक मनोविज्ञान के बारे में, तो आपने 9-10 क्लास में आनुवांशिक का सिद्धांत दिया देखा होगा, और इसके जनक कौन कहलाएंगे, मेंडल। कौन कहलाएंगे दोस्तों, मेंडल। ठीक है दोस्तों, और औद्योगिक मनोविज्ञान के जनक कोई भी नहीं है। देखो मैं बात कर रहा था औद्योगिक मनोविज्ञान की। देखो दोस्तों औद्योगिक मनोविज्ञान इसलिए बना गया, आप सोचोगे कि यार इसके फैक्ट्री वगैरह में मनोविज्ञान की क्या जरूरत है, वहां पर भी जरूरत पड़ती है, किसमें, वर्कर्स के रूप में। जो वर्कर्स रहते हैं वो इस तरह से उनका दिमाग चेक किया जाता है, उनके दिमाग के बारे में, व्यवहार के बारे में जाना जाता है, वहां पर काम करने वाले वर्कर्स के बारे में, क्योंकि एक जो फैक्ट्री का अगर ग्रोथ कर रही है या फिर गिर रही है ना, तो उसमें कारण रहता है दोस्तों वहां पर मैनेजमेंट का, या फिर वहां पर लर्निंग का, मैनेजमेंट का, ये सब चीजें डिपेंड करती है। इसीलिए एक मनोविज्ञान का भी चयन किया गया है जिसका नाम है औद्योगिक मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, फिर एक बार फिर भी बता दूंगा मैं बाद में, और जब ये चीजें सामने आएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दो तीन चार नाम हो रहे उसके भी बात कर लेते हैं। एक आता है गतिशील मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे अपन, गतिशील मनोविज्ञान। इसके बाद बात करेंगे अपन प्रायोगिक मनोविज्ञान। इसके बाद देखो गतिशील मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, जनक तो ये आएंगे कर्ट लेविन। क्या नाम है दोस्तों, कर्ट लेविन। नाम सुना होगा दोस्तों आपने कर्ट लेविन का, पर्यावरण के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी दी थी कर्ट लेविन। इनका व्यवहारवाद में सिद्धांत भी है कर्ट लेविन का, जो अपन पढ़ेंगे वहां पर। इसके बाद प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक मैंने आपको बताया गतिशील के तो है कर्ट लेविन, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक बताया था मैंने आपको विलियम वुंड, प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड। ये हुंड नहीं है, वुंट है, याद रखना वुड नहीं है, वुंट है ये। विलियम वुड भी होता है और एक विलियम वुंट भी होता है। विलियम वुंट प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्या कहलाते हैं दोस्तों, जनक कहलाते हैं। देखो दोस्तों अब बताओ मुझे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है, इन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला का गठन कहाँ पर किया था, कब किया था, और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फिर आती है दोस्तों एक और आती है शरीर क्रिया मनोविज्ञान, शरीर क्रिया
मनोविज्ञान इसके जनक है दोस्तों मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। ठीक है दोस्तों, विलियम मैकडूगल आपको पता होगा संवेगों के बारे में, या फिर एक वर्ड आता है इसमें मैकडूगल के बारे में, संवेगों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी वुडवर्थ ने इनके साथ दोनों ने मिलकर इनको जानकारी दी थी। विलियम मैकडूगल का शरीर की जितने भी क्रियाएं होती, जितने भी संवेग होती, जितनी भी रचनाएं होती है ना, उनके बारे में जानकारी दी थी किसने दोस्तों, विलियम मैकडूगल ने। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों व्यवसायिक, व्यवसायिक ये भी एक मनोविज्ञान है, शाखा है मनोविज्ञान की। व्यवसायिक मनोविज्ञान इनके कोई जनक नहीं है तो यहाँ पर अपन क्रॉस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई मैंने अभी तक मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में आपको जानकारी दी है। दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कितनी बिल्कुल याद करने वाला पार्ट है, लेकिन नहीं है, जब आप पढ़ते जाएंगे तो अपने आप, मैंने भी कभी याद नहीं करा था, बिल्कुल ऐसे ही नाम याद है और इनके इतिहास जो भी जनक है उनके बारे में याद है, क्योंकि अभी जो भी क्लास आएगी इन सबका नाम वापस से आएगा और उनमें से इनके नाम आ जाएंगे। अपन यहाँ पर सभी शाखाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, अपन जिन इंपोर्टेंट शाखाएं जैसे बाल मनोविज्ञान की अपन बात करेंगे, इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की अपन बात करेंगे, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे, विकासात्मक मनोविज्ञान की अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दो बातें और बतानी है। मिटा दूं दोस्तों, यह हुई बात दोस्तों अपने शाखाओं की। देखो अब दोस्तों अपन बात करेंगे जो इन शाखाओं में, सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है शिक्षा मनोविज्ञान की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की। आज की क्लास में लिखेंगे अपन कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मैं शिक्षा के बारे में बता जाता हूं आपसे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। दोस्तों देखो यहां पर, देखो मैंने बताया था आपको कि मनोविज्ञान, पहले बात करते हैं, पर यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं। देखो एक तो आ रहा है शिक्षा, कौन सा वर्ड आ रहा है दोस्तों? शिक्षा। और एक आ रहा है कौन सा? मनोविज्ञान। दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, आराम से दिख रहे होंगे, कोई निकालने की जरूरत नहीं है इनको, ये बीच में लाइन लगा रखी है देखो मैंने, तो दो वर्ड निकल रहे शिक्षा। अब मनोविज्ञान की बात करें दोस्तों अपन, तो मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? अध्ययन, अध्ययन करता है किसका अध्ययन करता है दोस्तों? व्यवहार के अध्ययन करता है, व्यवहार का, व्यवहार का अध्ययन करता है। अब यहां पे मैं ऐसी लाइन मुझे यहां पर लिखनी है, बात समझाने की नहीं है अभी, यहां पर बात ये है कि आपको इस दोनों वर्ड का मतलब निकालना है कि यहां पर अपन किसी न किसी, देखो मनोविज्ञान में अध्ययन तो करना है, किसका करना है? मनोविज्ञान में अध्ययन होता है व्यवहार के विज्ञान का, लेकिन व्यवहार में मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक तो मानव के व्यवहार का भी अध्ययन होता है यहां पर और पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा में भी अध्ययन किया जाएगा, किसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों? किसका अध्ययन किया जाएगा? मानव का, मानव के अध्ययन का, मानव के व्यवहार का, व्यवहार का अध्ययन। अब आप कहेंगे कि मानव के व्यवहार का अध्ययन तो इस मनोविज्ञान में भी हो रहा था, फिर शिक्षा व्यवहार में आपके मानव का अध्ययन क्यों किया गया? अब देखो बात यह आती है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है जिसमें शिक्षा का पाठ जुड़ गया। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि पहले की जो अपने पुरानी बात है, प्राचीन इतिहास के बारे में अपन जानकारी ले, पहले की शिक्षा होती थी तो बालक के व्यवहार को देखकर उसको, जैसे मैंने किसी एक बालक को उठाया और मैं यहाँ से पढ़ाने के लिए ले गया उसको, ठीक है दोस्तों, मैंने सिर्फ उसका व्यवहार देखा है और व्यवहार के अनुसार ही मैंने उसको शिक्षा देना शुरू कर दी, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैंने इससे शिक्षा किस प्रकार दी। अगर आप अपने बच्चे को या फिर किसी बालक को आप सब्जेक्ट दिलाते हैं, जैसे किसी ने साइंस सब्जेक्ट लिया, किसी ने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, किसी ने आर्ट सब्जेक्ट लिया, ये तीनों सब्जेक्ट लिया उसके आपके व्यवहार को देख, रुचि को देखकर, ये सब चीजें आपने देखी होगी तभी जाकर। लेकिन पहले क्या होता था, जब मनोविज्ञान था ना, जब शिक्षा का मार्जन नहीं हुआ था, मनोविज्ञान था, तो हर किसी बालक को बिना देखे, बिना उसके व्यवहार को समझे उसके बारे में शिक्षा देनी लग जाती है, शिक्षा दी नहीं जाती थी सबको समान रूप से, लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब से शिक्षा मनोविज्ञान आया, सबसे मानव के बारे में अध्ययन किया गया कि मानव का व्यवहार किस तरह से
प्रकृति से क्या सीख सकता है, ये इनके बारे में विधियां बताई गई और इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करके अलग अलग जानकारी दी गई, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान में जानकारी है। ठीक है दोस्तों, आज इतनी सी बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, मैं और सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जैसे आप नेक्स्ट क्लास में इंतजार करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपन यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और अपने अपने कमेंट बिल्कुल जरूर बताएं मुझे क्लास के बारे में, किस तरह की क्लास है, आपको क्या कमी महसूस हो रही है या फिर आपको क्या अच्छा लगा हुआ है, ताकि मैं भी अपना डेवलप कर सकूं और मैं भी आपको अच्छे से अच्छा सिखा सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।